आजकल एक मेडिकल टर्म सब जगह यूज में आ रही है, वो ये है कि इम्यूनिटी डेवलप करिए। हर जगह सरकार बता रही है, अखबार में आ रहा है, या तमाम लोग, तमाम डॉक्टर, तमाम चिकित्सक ये बात कह रहे हैं कि इम्यूनिटी डेवलप करिए। आखिर ये इम्यूनिटी क्या है? इसको किस सरल शब्दों में किस तरीके से समझा जा सकता है एक आम आदमी के लिए? बेसिकली इम्यूनिटी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी की संरचना है इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। इसमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड जो हमारे पूरे शरीर में सारे तरीके के खनिज पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं और डाइजेस्ट होके जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में पहुँचते हैं और फिर पूरे शरीर में पहुँचते हैं। तो इस ब्लड में दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम लोग WBCs भी बोलते हैं, उसमें पांच चीजें होती हैं, पॉलीमॉर्फ्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसोफिल एंड मोनोसाइट। बेसिकली ये जो तत्व हैं बेसिकली ये हमारे फाइटर्स हैं जो कि बाहर से आने वाले कोई भी संक्रमण हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या फंगल हो, उससे ये लड़ता है। ये उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जब पहली बार कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है तो ये उसके एवज में एंटीबॉडीज बना लेती हैं, और वही एंटीबॉडीज जब फर्दर कभी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है तो वही एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन को रोकती हैं। तो जितना कारगर हमारा ये डिफेंस सिस्टम होगा उतनी जल्दी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि उस इन्फेक्शन को रोकेंगी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा खाना, जो भी हम लोग आहार ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के जैसे बोलते हैं कि इम्यूनिटी बिल्ड करो, तो किस चीज़ से हम इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं? तीन फैक्टर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा विटामिन डी और तीसरा जिंक। अगर ये हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो इम्यूनिटी बहुत जल्दी डेवलप होती है किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग। अगर हम इसको आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो हम आहार लेते हैं जब वो हमारी जठराग्नि से पाचन होता है तो सबसे पहले रस का निर्माण होता है, रस से रक्त का, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र के बाद में जो शुक्र अग्नि का उसमें जब संयोग होता है तब ओज की उत्पत्ति होती है। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है हमारी आहार के पाचन के बाद का तो वो ओज होता है। तो जितना ज्यादा हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी तो ओज का निर्माण भी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए सबसे हम बोलते हैं कि जिसका पेट दुरुस्त है तो वो कम से कम 70 से 80% बीमारी से दूर रहता है। तो उसका जो आधार है वो यही है कि इम्यूनिटी उसकी अच्छी होती है। क्या कुछ और भी तरीके आयुर्वेद के अनुसार ऐसे आते हैं जिससे कोविड के प्रभाव को रोका जा सके और अपनी इम्यूनिटी एक आम आदमी बढ़ा सके अपनी? देखिए कोई भी इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में आता है तो आयुर्वेद में हमने सबसे पहले बोलता है दो तरीके की बीमारी होती है, एक निज जो हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसा है जो जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं कि ब्लड का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है या थायराइड हार्मोन, तो ये निज रोग है। और ये जो बाहर से आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आगंतुक रोग। आगंतुक रोग में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है हो सकता है, फंगस हो सकता है या कोई और प्रोटोजोअल डिसऑर्डर हो सकता है। तो अगर कोई भी चीज आ रही है तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको कि हमारा जो सुरक्षा चक्र है वो मजबूत होना चाहिए। वो क्या है, सर्वोच्च ओज अगर हमारे अंदर अच्छा है, ओज का निर्माण अच्छा हो रहा है तो उस हम बीमारी से बच सकते हैं। तो उसका सबसे पहला आयुर्वेद में जो सिद्धांत बोला गया है वो आहार, विहार और पोषण। आहार में हमारा जो आहार ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य होना चाहिए। जैसे मैं बोलना चाहूंगा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे गर्मियों के सीजन में हमारी जठराग्नि बहुत दुर्बल रहती है या फिर वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि बहुत दुर्बल रहती है, लेकिन उस समय अगर हम ऐसा आहार विहार करें जो बहुत भारी हो, गरिष्ठ हो, तो पच नहीं पाएगा, और पचेगा नहीं तो रस की उत्पत्ति नहीं होगी, उत्तरोत्तर धातु की उत्पत्ति सही नहीं हो पाएगी और ओज भी सही से नहीं बन पाएगा। तो हर ऋतु के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आहार अच्छा होगा। दूसरा, जठराग्नि बड़ी रहे इसके लिए हमारे जो रसोई है बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग अदरक का यूज करते हैं, हम लोग अजवाइन का यूज करते हैं, हम लोग घी का यूज करते हैं, इससे हमारा क्या होता है पाचन शक्ति हमेशा बड़ी रहती है, जठराग्नि बड़ी रहता है, बड़ी रहती है। तो जठराग्नि पे हमें वर्क करना पड़ेगा कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम ना होने पाए। दूसरा, आहार ऐसा लेना है ऋतु के अकॉर्डिंग जो पाचन उसका सही से होता है ताकि ओज का निर्माण हमारा अच्छा हो। दूसरा, विहार, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आते हैं हमारा निद्रा, कि हम लोग सही से नींद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नींद निद्रा एक ऐसी चीज है उस समय हमारे जितने टॉक्सिन हमारे बॉडी में अधर होते हैं वो डिटॉक्सिफाई होते हैं। तो बिहार में हमारा कैसा दिन भर का रूटीन क्या होना चाहिए, जैसे ग्रीष्म ऋतु में ही खाली
सोने का विधान है, बाकी जितने भी दिवा स्वप्न का विधान है कि दिन में आप सो सकते हैं तो सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में, बाकी ऋतुओं में अगर आप सोएंगे तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी आएगी। तो ये विहार हमारे पूरे 24 आवर्स का जो चक्र है वो किस तरीके से होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आता है औषध का नंबर। औषध में भी तीन तरीके की औषध आयुर्वेद में बताई गई है, देव विपाशन चिकित्सा, युक्ति विपाशन चिकित्सा और सत्वाध्याय। देव विपाशन चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मंदिर में जब जाते हैं तो हमारा ये विश्वास है कि मंदिर जाने में हमारे सारे काम बनेंगे, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। ये उसी प्रकार है, लोग कहते हैं कि मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मुझे उनकी दवा लगती है, बिकॉज बिलीफ सिस्टम हमारा वहां पे काम करता है। तो जिस भी धर्म मजहब से हम लोग जुड़े हुए हैं तो उनके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, उससे हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा तो हमारे जो केमिकल्स हैं, पॉजिटिव केमिकल्स, वो शरीर से निकलेंगे जो कि हमें किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा होता है युक्ति विपश्यना चिकित्सा। कोई भी बीमारी भी, लाइकवाइज अभी कोविड है तो कोविड जैसे हमको पता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो हम ऐसा क्या क्या करें कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। लाइकवाइज योग प्राणायाम करने से, जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उससे हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, तो एक हमें वो करने के लिए बोलते हैं। दूसरा नस से लेने के लिए बोलते हैं कि जब भी वायरस आए एंटर होगा तो नाक के थ्रू होगा, तो अगर हम कोई भी तेल का नस से लेते हैं, चाहे वो अड़ू तेल हो, षडबिंदु तेल हो, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट, क्योंकि जिस प्रकृति का जो पेशेंट होगा तो नस की जो औषधि होती है वो भी प्रवर्तित हो जाती है। तो नस लेने से अगर वो हमारे नाक में एंटर करेगा तो ऑयल वहां पे होने की वजह से, स्टिकी होने की वजह से वो आगे जाने से रोकेगा उस वायरस को। तीसरा हम ये बोल रहे हैं कि अभी कि हमें पिपली, दालचीनी, काली मिर्च, इन सब का काढ़ा बना के, तुलसी का काढ़ा बना के उपयोग करना चाहिए। ये भी क्या कर रहा है हमारे, इसको अगर हम गार्गल करते हैं या फिर लेते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी औषधि है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करती है। तीसरा आता है सत्वाबजा चिकित्सा। सत्वाबजा चिकित्सा में क्या होता है, योग प्राणायाम या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो कोई ना कोई बीमारी, जो भी बीमारी से हम लड़ रहे हैं हमारी बॉडी में, वो हेल्पफुल हो। तो ये तीन तरीके की चिकित्सा का विधान हमारे आयुर्वेद में औषध के रूप में बताया गया। तो अगर आहार विहार और औषध तीनों पे वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं इस कोविड महामारी से हम लोग लड़ सकते हैं।